सलीम खान को बॉलीवुड का एक बड़ा नाम माना जाता है, जिन्होंने कई सुपरस्टार फिल्में दी। जी हाँ, सलीम खान बॉलीवुड सिनेमा में वो नाम है जिनका इंडस्ट्री में आज भी डंका बजता है, जिन्होंने इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन जैसे महानायक दिया। जावेद अख्तर के साथ मिलकर उन्होंने सलीम जावेद के नाम से बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन गढ़ा। यह सलीम जावेद की ही जोड़ी थी जिसने पहली बार फिल्म के पोस्टर पर स्क्रीन प्ले राइटर्स का नाम छपवाना शुरू किया था। हाथी मेरे साथी, जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों की पटकथा लिखने वाले सलीम खान को आज दुनिया सलमान खान के पिता के रूप में जानती है। बताते चले कि सलीम खान की लिखी हुई फिल्में जितनी दिलचस्प रही है, उनसे कहीं ज्यादा दिलचस्प उनकी रियल लाइफ की कहानी है। इंदौर से मुंबई हीरो बनने आए सलीम खान ने 1964 में सुशीला चरक से शादी की। धर्म की दीवार को न सिर्फ सुशीला ने सलमा बनकर तोड़ा, बल्कि सलीम खान ने भी शादी करने के लिए अपना नाम बदला और शंकर बन गए। सलीम और सलमा की प्रेम कहानी इंडस्ट्री में खूब फेमस रही, लेकिन फिर जब उन्होंने साल 1981 में खूबसूरत एक्ट्रेस और डांसर हेलेन से शादी का फैसला किया तो कई लोगों को झटका लगा। ये तो जाहिर सी बात है कि सलीम खान के इस फैसले ने तब उनकी पहली पत्नी और सलमान, अरबाज, सोहेल और अलवीरा की माँ सलमा को गहरा झटका दिया होगा। सलमा ने कभी इस बारे में खुलकर कोई बात नहीं की, लेकिन एक बार हेलेन ने इस पर पहली बार चुप्पी तोड़ी थी। अपने बेटे अरबाज खान के शो द इनविजिबल विद अरबाज खान में हेलेन ने इस बात का खुलासा किया है। वह इस किस्से का जिक्र करते हुए इमोशनल भी हो जाती है और एक्सेप्ट करती है कि उनकी वजह से शुरुआती दौर में सलमा का दिल बहुत दुखा है और यह बात उन्हें हमेशा कचोटती है। दरअसल अरबाज हेलेन से करियर को लेकर बात कर रहे थे, जब अरबाज ने कहा कि क्या ये वही समय था जब आप मिस्टर सलीम यानी हमारे पिता से मिली थी। तब हेलेन कहती है कि उन्होंने मुझे एक रोल ऑफर किया था, हम यहीं से दोस्त बने थे। आपकी मम्मी सलमा बहुत अच्छी इंसान है। जब हमने डेटिंग शुरू की थी और शादी का फैसला किया तो यह वक्त सलमा के लिए काफी मुश्किल भरा रहा होगा। आपकी माँ ने उस समय बहुत कुछ सहा होगा। इतना ही नहीं, इसके आगे हेलेन कहती है कि मुझे लगता है कि किस्मत ने मुझे आप सभी के इतना करीब लाया, मुझे आप सभी का शुक्रिया करना चाहिए। मैं कभी भी सलीम खान के परिवार को तोड़ना या अलग करना नहीं चाहती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सलीम खान से शादी करने के बाद हेलेन को इस बात का पछतावा था कि उन्होंने सलीम खान का बसा हुआ घर तोड़ दिया था, मगर हेलेन का बिहेवियर ही था जो पूरे खान परिवार ने उन्हें खुली बाहों के साथ अपना लिया। सलीम और हेलेन की कोई अपनी संतान नहीं हुई और तब उन्होंने अर्पिता को गोद लिया। अर्पिता के आने से हेलेन सलीम के परिवार के और करीब आ गई। गौरतलब है कि आज हेलेन के बिना खान परिवार अधूरा है। परिवार की हर फोटोज में अब हेलेन भी नजर आती है। उन्हें परिवार में वही इज्जत मिलती है जो सलमा खान को मिलती है। सोशल मीडिया पर सलमा खान और हेलेन के साथ कई फोटोज मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान भी अब हेलेन को माँ का ही दर्जा देते हैं। हालांकि सलमान खान आज भी हेलेन को हेलेन आंटी ही कहते हैं।